हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट परिसर में एसडीएम मनीष कुमार के द्वारा अधिवक्ताओं को सड़क सुरक्षा यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई और उन्हें सड़क सुरक्षा का महत्व समझाया कि हम किस प्रकार यातायात नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं व होने वाली जनहानि की रोकथाम से बच सकते हैं। उपस्थित अधिवक्ताओं को यातायात नियमों, दोपहिया चलाते समय हेलमेट, चारपहिया चलाते समय सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन ना चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करना, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले रास्ता देना, सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने व नाबालिग बच्चों को वाहन ना चलाने देने संबंधी शपथ दिलाई गई। सर, अभी एजीएम कोर्ट में आपके द्वारा सभी अधिवक्ताओं के साथ एक शपथ दी गई है यातायात को लेकर, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, संदेश बड़ा स्पष्ट है कि यदि हम सुरक्षित रहेंगे, स्वयं अपनी सुरक्षा करेंगे और अपने परिवारजनों की सुरक्षा करेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। और ये एक ऐसा परिसर है जिसमें अधिवक्ता बंधुओं के पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स कह सकते हैं, बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और ये शपथ हम सब ने आज मिलकर ली है। और ये शपथ का प्रचार प्रसार अगर निचले स्तर तक हो सकेगा तो शायद सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। अक्सर देखा जाता है कि नाबालिग बच्चे वाहन चलाते पाए जाते हैं या अक्सर लोग मोबाइल पर बात करते नहीं रहते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, उचित तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, हाँ इसमें जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल चलाने से कोई दुर्घटना नहीं होती, लेकिन माइंड हमारा दो जगह एक साथ कार्य कर रहा होता है तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसका जागरूकता इसका एक बचाव है। जो नाबालिग बच्चे बाइक चलाते हैं, क्या उसमें दोषी माँ बाप भी है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि अगर नाबालिग बच्चे अपने घर से स्कूल को या किसी अन्य जगह को बाइक लेकर के जाते हैं तो माँ बाप को ये देखना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए।